आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति रामचंद्र, आई एम फ्रॉम आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। टुडे मैं टॉपिक टुडे मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन देने वाली हूं। तो मेरे पीपीटी प्रेजेंटेशन का नाम है केस स्टडी ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर ये कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है। बैंगलोर को बेंगलुरु शहर से भी जाना जाता है। बैंगलोर की पॉपुलेशन 1,33,00,000 है। वो आबादी के मामले में मुंबई दिल्ली कोलकाता को पीछे छोड़ता है। वो आबादी के मामले में चौथे स्टेज पे आता है। बैंगलोर में सेकेंड मेट्रो बिल्डन एरिया है। बैंगलोर सेकेंड मेट्रो बिल्डन एरिया है। वो 805 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। वो 320 फीट ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। वो देहरादून से भी काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो जमशेद जी टाटा तो आपको पता ही होगी, टाटा ग्रुप के फाउंडर। उन्होंने बिजनेस के अलावा अपनी जिंदगी में 3 गोल रखे थे। फर्स्ट एक लग्जरी होटल बनाना, वो बाद में जाके मुंबई में ताज होटल बना। सेकंड हाइड्रो पावर बैंक बनाना, वो बाद में जाके लोनावाला के बाजू में बना। और थर्ड एक अच्छी क्वालिटी का साइंस इंस्टीट्यूशन बनाना, वो बाद में जाके भारत के लोगों को सर्व कर भारत के फिर उस टाइम के महाराजा से उन्होंने परमिशन ली। तो 350 एकड़ की जमीन उनको मिली। फिर 1999 में साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। वो उस टाइम भी वन ऑफ द बेस्ट था और इस टाइम भी वन ऑफ द बेस्ट साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। तो वो उस 1930 से 1950 तक वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा था। फिर 1960 में भारत ने अपने आप को अप्रूव करने के लिए कुछ चीजें डिसाइड की। डिफेंस कंपनी सेटअप करना, और सेकंड इसरो को इंडियन सर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना। और उनकी 3 चीजें रिक्वायरमेंट की, फर्स्ट क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। सेकंड अगर भारत में जंग होती है तो वो जंग से बहुत ज्यादा दूर चाहिए। और थर्ड हाईली एजुकेटेड वर्क फोर्स भी चाहिए। वो ये तीनों चीजें अकेला बैंगलोर प्रोवाइड कर सकता था। तो इसके लिए उन्होंने बैंगलोर को चूज किया। और रिसर्च लैब सेटअप के लिए वो बिल्कुल भी रिस्की नहीं था। तो फिर 1960 में एचएल इंडिया और इसरो के ऐसे बड़े हेडक्वार्टर सेटअप हुए। इसके ऐसे हेडक्वार्टर सेटअप होने के कारण बहुत से बड़ी कंपनीज बेंगलोर में आना शुरू हुई। एक पर्सन थे आर के बलिगा, उस टाइम चीफ इंजीनियरिंग थे। बाद में जाके वो कर्नाटक राज्य के मैनेजर, चेयरमैन एंड मैनेजरिंग डायरेक्टर बने। फिर उन्होंने 1970 में एक फिर उन्होंने 1970 में एक कल्पना एक प्लान सामने रखा कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाना। फिर वो काफी मिनिस्टर ने उन्हें मनाने की बुझाने की बहुत कोशिश की। काफी मुश्किलों के बाद 1970 में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का काम हुआ। फिर अनफॉर्चुनेटली 1988 में उनके डेथ हो गई, बहुत ही कम उम्र में उनके डेथ हो गई। फिर उन्होंने ऑलरेडी आईटी कैपिटल बनाना। फिर उस टाइम पर दो यंग कंपनीज विप्रो एंड इंफोसिस ने अपने ऑफिस शुरू किए। वो उस टाइम पर बहुत ही कम, उस टाइम पर नॉर्मल और छोटी कंपनी हुआ करती। बट अभी आईटी इंडस्ट्री में वो बहुत बड़ी कंपनी है। फिर उस टाइम पर टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट भी एक कंपनी थी। फिर वो आज भी और उस टाइम पर आज से भी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। उनके कैलकुलेटर, वीडियो चिप, माइक्रो प्रोसेसर,
माइक्रो प्रोसेसर थे जब बहुत बड़ी स्केल पर यूज हुआ करते थे। फिर उन्होंने अपने उन्होंने इंडिया में शेयर मार्केट भारत में अपना शेयर मार्केट बढ़ाना चाहते थे और अपना आउटसोर्स भी करना चाहते थे। पर उन्होंने काफी शहरों को अप्रोच किया पर काफी शहरों में उनकी काफी मिनिस्टर ने उनकी रिक्वायरमेंट समझ ही नहीं पाए। वो उनकी रिक्वायरमेंट समझे। फिर बैंगलोर में ना सिर्फ एजुकेटेड लोग थे, उनकी दो आउटसोर्सिंग कंपनी भी थी, इसीलिए टेक्सास 1960 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने अपना ऑफिस शुरू किया। जनरल इलेक्ट्रिक उस टाइम पर एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी। जनरल इलेक्ट्रिक एंड विप्रो ने अपना जनरल इलेक्ट्रिक एंड विप्रो कंपनी ने अपना दोनों ने दोनों ने साथ में काम शुरू किया। फिर ऐसे दो तीन कंपनी को आते हुए देखकर यूएस के सिलिकॉन वैली में अफवाह फैलने लगी, बैंगलोर बहुत बड़ा शहर है, अगर अपनों को अपने आपको कंपनी सेटअप करना है तो बैंगलोर ही वन ऑफ द बेस्ट जगह है। बैंगलोर में 40% इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, मोर देन 50% इंडियन स्टार्टअप है, और कर्नाटक का अकेली 80% जीडीपी कंट्रीब्यूशन अकेला बैंगलोर करता है। बैंगलोर का ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपेंशन नंबर वन है। अमेरिका को सिटल को पीछे करना मुश्किल है, न्यूयॉर्क को पीछे करना मुश्किल है, सिलिकॉन वैली को भी पीछे करना मुश्किल है, चिकागो को भी मुश्किल है पीछे करना, लेकिन अब ग्लोबल के मामले में पहले बैंगलोर 21वें रैंक पे था और अब 7वें रैंक पर आ चुका है। इसीलिए टॉप 20 सिटी अमेरिकी सिटी के बाद बैंगलोर आते टॉप 20 सिटीज में। फिर फिर एक कंपनी एक्सेलर वेंटर के चेयरमैन एस राधा कृष्ण ने कहा था कि बैंगलोर का इकोसिस्टम अलग है, स्टार्टअप्स आरएनडी डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल एकेडमिक और इंडस्ट्री डिफेंस और अदर यूजर ऑर्गेनाइजेशन, ये मल्टी वजह से बैंगलोर की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो रही है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के वजह से भी बैंगलोर बहुत बढ़ता चला जा रहा है।